नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दूसरी लहर में भारत में तबाही मचा रहा कोरोना का वेरिएंट B.1.617 दुनिया के 44 देशों में पहुंच गया है। कहां से कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे पहुंचा, ये सब अभी शोध का विषय है। लेकिन ये तय है कि B.617 ने ही भारत में तबाही मचाई है। WHO ने क्लियर कर दिया है कि ये 44 देशों में पहुंच गया है और ये 44 देश उसके 6 रीजन में हैं, जो उसने अपना रीजन बांट रखा है कंट्री वाइज। इसी से WHO भी यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया परेशान है, क्योंकि इस वेरिएंट की खासियत ये है कि यदि भारत के पहले वाले वेरिएंट से तुलना करें, जब ये मार्च 2020 में आया था, तो हम पाएंगे कि उससे कहा जा रहा है कि 2.5 गुना से अधिक ये तेज़ी से संक्रमित होता है और मारक क्षमता भी उतनी ही तेज़ है। और यदि ब्रिटेन वाले वेरिएंट से तुलना करते हैं तो कहा जा रहा है कि उससे 60% से ज़्यादा ये तेज़ी से ट्रांसमिट होता है। ऐसे ही ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका से भी ये ज़्यादा तेज ट्रांसमिट करता है और मारता भी है। इसीलिए दुनिया जो है परेशान है कि 44 देशों में पहुँच गया है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। दूसरी खास बात यह है कि जो वैक्सीन दी जा रही है दुनिया भर में, न सिर्फ भारत में, तो अभी 2 कंपनियों की दी जा रही है, स्पुतनिक भी अभी आने वाली है। तो ये वैक्सीन क्या करती है कि एंटीबॉडी तैयार करती है जो कि कोरोना वायरस से लड़ता है। ये क्या कर रहा है कि कहा ये जा रहा है कि उसको भी कमज़ोर कर रहा है एंटीबॉडी को। और अब इसके बाद सवाल ये उठा कि क्या फिर इसमें वैक्सीन कारगर नहीं है। वैक्सीन कारगर है और इसीलिए दोबारा ये हो भी जा रहा है कुछ केसेज में कि जिन्होंने 2 डोज ले रखा है उसको भी हो जा रहा है। उसकी वजह ये है कि एंटीबॉडी को ये प्रभावित कर रहा है। अब ये बात अलग है कि माइल्ड नेचर का ही प्रभावित कर पा रहा है, इसलिए जो डबल डोज ले चुके हैं उसके बावजूद हो रहा है तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं हो रहा है। यही इसी बात का पे रिसर्च चल रहा है दुनिया भर में और WHO में कि आखिरकार इससे निपटा कैसे जाए। जैसे भारत पे सबकी नज़र इसलिए है, पूरी दुनिया इसलिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है कि यदि भारत इससे निपटता है तो दुनिया को भी लड़ने में आसानी हो जाएगी, मदद मिलेगी। क्योंकि आपको याद होगा पहली लहर में भारत ने अमेरिका जैसे देशों को, जो कि सुपर पावर है, उसको भी मदद की थी और ऐसे ही तमाम देशों की मदद की थी। तो भारत की यदि कोई मदद करने के लिए आगे आ रहा तो वो एहसान नहीं कर रहा है। इस महामारी से तभी लड़ा जा सकता है जबकि पूरी दुनिया एक हो। चाइना ने फैला तो दिया, कृत्रिम सब कुछ कर तो दिया, लेकिन चाइना की विश्वसनीयता भी पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है उसकी अपनी कारस्तानियों की वजह से। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो B.1.617 है, ये इसके 3 सब वेरिएंट बन गए हैं 1, 2, 3 करके है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब घातक है और साइड इफ़ेक्ट जो मार रहा है, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉटिंग और म्यूक्रोमाइकोसिस, जो जिसको कि आप आम आदमी की भाषा में अकफड़वा कोरोना कह सकते हैं, ये तो अभी तक मिला था। गुजरात के सूरत से शुरुआत हुई थी म्यूक्रोमाइकोसिस की और अब ये महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सब जगह दस्तक दे रहा है। तो और उसका इलाज काफ़ी महंगा है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। देखते हैं कि अब WHO और दुनिया मिलकर क्या समाधान निकालती है। भारत तो लड़ ही रहा है, भारत के कुछ राज्यों में इसका जो ट्रेंड है वो घटने लगा है। अब इस पर हमारी नज़र है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।